Hello students, now we are here for chapter number 1st, class 11, chapter number sets. Okay, so sets jo chapter hai aapka ye aapko chapter number 2 as well as chapter number 6 16 probability aur relation function dono mein aapko use karna hai. Theek hai, to iska basic samajhna aapko bahut zaruri hai. Theek, sabse pehle apan set ki definition ki baat karte hain. So, definition of set is a well-defined collection of objects. Okay? So, this is well-defined. What do you mean by this? Okay? So, well-defined ka matlab ye hai aapka ki jo uska meaning hai wo properly clear hona chahiye. For example, main aapko bataunga collection of vowels of English alphabets. Okay, तो सभी के लिए properly defined है, और each and every person it is clear that vowels of English alphabets are A, E, I, O, U. Okay, पर अगर मैं एक और example लेता हूँ, collection of most dangerous animals in the world. तो क्या ये well defined है? No, it is not well defined. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो most dangerous animals हैं, है ना? उसकी जो definition है वो आपको clear है. ठीक? Most dangerous animals मतलब क्या? Okay, most dangerous animals में अगर अपन देखें तो इट इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन. ओके, किसी को लिजार्ड से डर लगता है, किसी को लायन से डर लगता है. ओके, किसी के लिए इस कैटेगरी में एनाकोंडा रहेगा, तो किसी के मतलब सबके लिए ये जो मोस्ट डेंजरस एलिमेंट है डिफरेंट है. ठीक है, पर वोवेल्स सभी के लिए सेम ही रहे. ठीक है, तो now next we are going to ask representing of a set.
साइड को रिप्रेजेंट कैसे करें. There are two ways to represent a set. Okay. There are two ways to represent a set. First one is, there are two ways to represent a set. First is table. ये उसको बोलते हैं roster. Roster को भी बोलते हैं. ठीक है. और जो second one है वो है आपका set builder. ये दो टाइप्स आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में देखा होगा आपके सामने एग्जांपल लेना ए इक्वल्स टू ए वैल्यू. और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को लिखूंगा सेट को तो मुझे सेट से लिखना पड़ेगा एक्स कोलन एक्स है ना. एक्स इज मोबाइल ओ इंग्लिश
So what do you mean by finite set? So finite set is of the number of elements. वो क्या होता है countable, ठीक है? Infinite set में क्या होता है number of elements are uncountable, ठीक है? इसे इसका मैं example यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है? 1, 2, 3, 4, ठीक है? और इसका मैं example आपको बताऊँ, तो 1, 2, 3, 4, dot 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 dot, ठीक है? मतलब infinite elements are there in the set. इसको set A नाम देता हूँ, तो इसको set B नाम देता हूँ. तो set A में आप देखो कि there are 4 elements हैं, ठीक है? And in the second set B, there are 1, 2, 3, 4, 2. That means there are infinite elements. That means there are uncounted. Now, empty set. Okay, next one. Empty set. Okay. So what do you mean by empty set? A set that is zero number of elements. Zero number of elements. ठीक है, और सेट करने के जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम उसको समझते हैं. जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना? तो स्टूडेंट एंड सेट के एग्जांपल है. स्टूडेंट स्टडी स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 10 and 11 इन बोथ क्लास. तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि 10th और 11th दोनों में पढ़ रहे हैं, है ना? स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन द क्लास 10 एंड 11, है ना? बोथ क्लास 10 एंड 11. तो सिंपल सी बात है, ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं हो जो दोनों क्लास में पढ़ रहा हो, है ना? तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो फाइव एक सिंबल यूज करते हैं, फाइव पेज आई फाइव, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एम्प्टी ब्रैकेट्स के थ्रू इसको शो करते हैं. Pause the video and put it down. Okay, now next, equal sets. Equal sets के कौन सा कर रहे हैं? हम देखेंगे ना. Equal sets. तो कोई भी दो सेट इक्वल सेट का बन गया, ठीक है? तो उसकी दो कंडीशन, पहली कंडीशन तो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. सेकेंड, ऑल एलिमेंट्स सारे एलिमेंट जो सेट ए में है वही के वही सारे एलिमेंट सेट में भी होना चाहिए, है ना? ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी, मतलब उसका ऑर्डर आगे पीछे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? इसलिए आप देखो सेट ए मैंने एक एग्जांपल लिखा 1, 2, 3, 4 और सेट भी लिखा मैंने 4, 3, 1, ठीक है? तो जब आप सोचते हो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में भी 4 है और सेट बी में भी 4 है. अब सेट में ए में बन गई इधर भी बन गई, 2 इधर भी 2 इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी. तो सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए में है वो सेट बी में भी अवेलेबल है, ओके? इसलिए ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ओके? आई होप सो इसे वो क्लियर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सेट ए बी के इक्वल है, सिंगलली बी ए के भी इक्वल है, वाइस, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे इससे 1.1 से 1.2 कवर हो गई, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. बाय फ्रेंड्स.